ये तो देखें कैसे झटपट से बन गई है हमारी फ्राइड वेजिटेबल्स, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मजे की। तो बनाइएगा अब इस तरीके से फ्राइड वेजिटेबल्स, वो भी मेरे स्टाइल से। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा खलूस से दिल से सलाम। तो उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे जस्ट वेजिटेबल्स। तो इस तरीके से रियल में बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं, क्योंकि इस तरीके से इनका जो रियल टेस्ट है वो आप ज़्यादा स्पाइस नहीं डलती और जो रियल टेस्ट होता है बहुत ही मज़े का इस तरीके से ये वो बनता है। तो आप रियल में आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो आप इसको लाइक करेंगे। तो इसके लिए हमने जो वेजिटेबल्स ली हैं, इसके लिए हमने लिए एग प्लांट्स, बैंगन, इसको आपने जो है वो इस तरह से काट लेने, देखिए ऐसे चौड़े चौड़े से इस तरह से टुकड़ों में। और इसके लिए हमने पोटैटोज लिए हैं, 3 से 4 अदद हमने पोटैटोज लिए हैं और इनको इस तरह से लंबा लंबा काट लिया। और 1 टमाटो लिए है, टमाटर, एंड इसके लिए हमने ये लिए घिया तोरी, इसको जो इस तरह से आपने टुकड़ों में काट लेना है। और ग्रीन चिली एंड रेड चिली ये लिए आप सब मिर्चे बस ले लें। और शिमला मिर्च 1, इसको भी आपने इस तरह से काट लेना है। 1 ऑनियन, ब्लैक पेपर, जीरे का पाउडर एंड सॉल्ट, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट हॉट हो गया है। तो अभी हम इसमें जो ये वेजिटेबल्स इसको फ्राई कर लेंगे। आप हमेशा जब भी फ्राइज बनाएं तो आप ऑयल जब बहुत हॉट हो तब उसमें डाला करें। हाँ जी, तो अभी ये फ्राई हो गई है। हाँ जी, तो इसको हमने ये फ्राई हो गई है, इसको निकाल लिए। हाँ जी, तो अभी हम इसमें एग प्लांट जो है वो डालेंगे। इनको भी हम अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेंगे अंटिल के ये अच्छे ब्राउन हो जाए। हाँ जी, देखें ये भी
फ्राई हो गए हैं। आपने इनको इतना ही ज़्यादा जो है वो फ्राई करना है ताकि ये थोड़े थोड़े से अगर डार्क ब्राउन भी हो जाएं तो ये बहुत ही टेस्टी इसे ये लगते हैं। लाइक इस तरह से हल्के हल्के से ये बर्न भी हो जाएं, देखें लाइक डार्क ब्राउन, तो इसे ये बहुत ही इनका ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अभी हम इसमें निकाल देते हैं। हाँ जी, तो अभी हम इसमें डालेंगे साथ में हम इसे जो वो रेड एंड ग्रीन पेपर चिली ये डालेंगे, सब्ज़ एंड सिर्फ मिर्च। अगर आपके पास जस्ट सब्ज़ मिर्च नहीं हो तो आप जस्ट वही फ्राई कर लें। हाँ जी, तो अभी हम देखिए ये भी ब्राउन हो गई है, तो अभी हम इसको भी निकाल लेते हैं। इसी तरह से अभी हम ऑन एंड टमाटर, इनको हम ज्यादा नहीं बस फ्राई करते करेंगे फ्राई। तो इनको भी हम निकाल लेंगे बस इसी तरह से थोड़ा सा ब्राउन करके। हाँ जी, तो देखिए इस तरह से हमने सारी वेजिटेबल्स जो है उनको फ्राई कर लिए है, और देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है वो प्लेट फ्राई वेजिटेबल्स की रेडी है। तो अभी हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। ये बहुत ही कंट्रीज में जो है ये लाइक की जाती है, और इस तरह से मैंने देखा है स्पेशल अमेरिका में भी बहुत सारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो इस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं, और रियल में बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से। और थोड़े से ब्लैक पेपर, आपने इसमें जो है रेड चिली स्पाइस और दूसरी बिल्कुल भी नहीं डालनी, इससे इनका जो है वो रियल टेस्ट है और बहुत ही मज़े का है। क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और लेमन, अगर आप थोड़ा सा अगर चाहें तो जैसे टोमेटो ऑनियन है तो इसके ऊपर आप जो वो डाल के तो डालेंगे तो और ज़्यादा मज़े की लगेगी, वरना इसके बगैर ही बहुत मज़े की अच्छी लगती है। तो आई होप कि मेरी ये रेसिपी आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कैसी लगी है।
तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आसिया का किचन, तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।